बॉलीवुड से इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। मशहूर एक्टर शाहनवाज प्रधान का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। शाहनवाज प्रधान सिर्फ 56 साल के थे। रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, जिसके बाद अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। उन्होंने ये बात अपने पास बैठे लोगों को बताई, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरी कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। प्रधान के अचानक हुए निधन की खबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए शाहनवाज प्रधान को श्रद्धांजलि दी है। वैसे तो शाहनवाज प्रधान को उनके कई किरदारों के लिए जाना जाता है, लेकिन मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू भैया के ससुर का रोल निभाकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस वेब सीरीज में उन्होंने गोलू और स्वीटी के पिता परशुराम गुप्ता का किरदार निभाया था। शाहनवाज प्रधान का जन्म 6 दिसंबर 1963 को उड़ीसा के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। 7 साल की उम्र में वो परिवार के साथ रायपुर आ गए और 7वीं कक्षा से उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया और तभी उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ी। यहीं से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें आगे चलकर एक्टिंग को ही अपना पेशा बनाना है। शाहनवाज प्रधान अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई कॉमेडी रोल निभाए जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं। फिलहाल तो शाहनवाज का यूं जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे।